वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस मदर्स ऑफ इंटर कॉलेज। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने आपको लास्ट वीक में जेंडर्स बताया था, जेंडर क्या होते हैं, और इसके बाद में हमने उसके आपको पॉइंट्स भी बताए थे। इसमें ये बताया था कि मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल, ये फोर टाइप्स के आपके जेंडर होते हैं। इसके बाद में हमने बताया था आपको मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, अनाउंस दैट डिनोट्स मेल पर्संस, यानी जिसमें पुरुष जात का बोल होता है वो होता है आपका मैस्कुलिन जेंडर। इसके बाद में सेकेंड पॉइंट में ही हमने आपको बताया था कि फेमिनिन जेंडर क्या होता है, अनाउंस दैट डिनोट्स फीमेल पर्सन, इसका फेमिनिन जेंडर। आज हम उसी के आगे चलते हैं, आपको कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। तो थर्ड नंबर देखते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर जिस होता है वो है ही, कॉमन जेंडर जो होता है वो होता है आपका वैलिड। अब देखते हैं इसकी डिफिनेशंस क्या होगी। ए नाउन दैट डिनोट्स, ए नाउन कैन स्टैंड फॉर मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल दिस सेड टू बी कॉमन जेंडर। देखते हैं बच्चों इसको समझते हैं। अनाउन कैन स्टैंड फॉर मेल एंड फीमेल इज सेड टू बी कॉमन जेंडर, यानी जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों के बारे में बताया जाए वो आपके क्या होते हैं, कॉमन जेंडर होते हैं, जिनको हम लोग हिंदी में वैल्यू बोलते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें, टीचर, टीचर आपके देखिए मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। यही बात लागू होती है स्टूडेंट में भी, स्टूडेंट भी आपके देखिए बॉयज भी होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं, आई मीन दैट कि वो मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। और यही बात प्यून की या लीडर की हम बात करें तो सभी में ऐसा होता है कि जिसमें मेल और फीमेल होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों को बताया जाए तो वो होगा आपको ये कॉमन जेंडर होता है बच्चों। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। प्लेयर चाइल्ड फ्रेंड, फ्रेंड स्टूडेंट, पीवीसी, ये नाम जो आपका कॉमन जेंडर। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रल जेंडर क्या होता है। न्यूट्रल जेंडर में होता है नपुंसक लिंग, जो न्यूट्रल जेंडर होता है वो होता है ज्यादा कि आपका नपुंसक लिंग। A noun that stands for A noun that stands for
इस सेल को भी बच्चों, ये रहे जेंडर।